अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत होंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जो लेआउट के अंदर मौजूद है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, वो है इंडेंट। इंडेंट आपने एक जो है यहाँ पे भी पढ़ा था, आपको याद हो अच्छे तरीके से, ये इंडेंट है। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है पढ़ाया था और अब जो है हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं, लेआउट टैब के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा इसमें वहाँ पे हमने सिर्फ लेफ्ट ही लेफ्ट पढ़ा था, यहाँ पे हम राइट की जो है पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना शुरू करूँगा। तो ये अप्लाई, अच्छा वहाँ की अगर बात की जाए तो होम टैब में, तो वहाँ पर जो है सिर्फ हमने लेफ्ट के अंदर अप्लाई किया था, यहाँ पर जो है आप राइट में भी अप्लाई कर सकते हो। देखें ज़रा कैसे होगा, इस तरीके से इस तरह वाले इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ऊपर वाले को लेफ्ट वाले को ख़त्म कर रहा हूँ सिंपल। तो ये लेफ्ट जो है वापस आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ओके, और उस साइड पर भी जाएगा, देखिए और उस साइड से लग गया ये। तो ये काम भी जो है आसानी यहाँ से हो सकता है इंडेंट के जरिए, आप आगे पीछे टेक्स्ट को बहुत ईजिली जो है कर सकते हो। ओके, आप इसको इस साइड से कर लो, अगर इसको और दबाना है इस तरफ तो और दबाओ, आपको तस्वीर लगाने की जगह और कोई शेप वगैरह अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो आसानी। तो इंडेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, अगर नहीं समझ में आया तो मेरी पिछली वीडियो भी देख लें जो वहाँ पर मौजूद है, मेरी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में ही मौजूद है, वो देख लें जाके अपन अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पर सारा काम हुआ है। याद रखें वो जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप की जो वीडियो है उसकी दो पार्ट मैंने बनाए हैं, पार्ट वन में या पार्ट टू में जो है वो आपको पार्ट टू में जो है वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडेंट आई होप तो आपको जो समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जेड मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और मैं वापसी अपनी सारी कंडीशन को लेकर आ रहा हूँ अपनी जगह पे। तो ये अरे वो भी चला गया, कंट्रोल वाई और फिर कंट्रोल वाई और फिर कंट्रोल वाई। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वापस आ गया। इसके बाद है स्पेसिंग, अच्छा ये स्पेसिंग जो है ना पैराग्राफ के बीच की है, यानी कि पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं अगले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँ तो बिफोर जो है क्या करेगा, ऊपर से स्पेस बढ़ाएगा, ऊपर से पैराग्राफ का स्पेस बढ़ाएगा और क्या करेगा, सिर्फ स्पेस बढ़ाएगा और कुछ नहीं और कम करेगा, बस ओनली ये जो इसका काम है। और आफ्टर क्या करेगा, आफ्टर भी देख लेते हैं। आफ्टर देखें नीचे से स्पेस बढ़ाएगा और उसको कम करेगा। सिंपल इज दैट, पैराग्राफ ग्रुप यही है हमारे पास जो लेआउट टैब के अंदर काम करते हैं। उम्मीद यही होगी कि जो है आई होप तो कि आपको जो ये अच्छे तरीके से दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दिएगा, मेरे पेज को भी लाइक कर दिएगा, फेसबुक पे लिख दिएगा मामा लिखा है तो मेरा पेज के ऊपर आ जाएगा और फिर लाइक ठोक दिएगा उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफिज़।